डिजिटलाइजेशन का जमाना बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे मसीही भाई बहन भी डिजिटलाइजेशन की ओर खींचे चले जा रहे हैं। मोबाइल, इंटरनेट, बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जहां पर हर प्रकार से मसीही भाई बहनों को खींचने के भरगस प्रयास किए जा रहे हैं। ये प्रयास किसी मनुष्य का नहीं बल्कि शैतान का है। दोस्तों, मैं इस समय आपको बताने जा रहा हूँ क्या मसीही भाई बहन गानों को सुन सकते हैं या नहीं। वो लोग जिन्होंने आत्मा में जन्म नहीं लिया या फिर वो लोग जो आत्मा के चलाए नहीं चलते, उनको तो इस बात की भनक तक नहीं लगती कि आखिर हम जो सुन रहे हैं, आखिर जो हमारी स्थिति है, क्या मसीह को भा रही है, क्या मसीह को हम प्रसन्न कर रहे हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं लग पाता कि हमें शैतान अपनी ओर खींच रहा है। और जब स्थिति ऐसी होती है, गाने बजने लग जाते हैं, तो उनके पैर अपने आप थिरकने लग जाते हैं। यहाँ पर दो प्रकार के लोग हैं। पहले वो मसीह जो गानों के सुनते ही अपने हृदय में परमेश्वर का भय मानकर उन गानों से अपने आप को दूर करते हैं। दूसरा वो जो इन गानों को सुनते तो हैं, लेकिन सुनते ही उनके पैर थिरकने लग जाते हैं और नाचने लग जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आज हम आत्मा में जीना नहीं चाहते, हम शारीरिक दशा में जीना चाहते हैं। जबकि बाइबल कहती है, प्रभु का वचन कहता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह मसीह का जन नहीं। समय के अनुसार पहले के बावजूद अब ऐसे बहुत सारे यंत्र हैं जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिससे हम परमेश्वर से दूर होते चले जा रहे हैं। जब हम इंटरनेट खोलकर देखते हैं, चारों तरफ संसारिक गाने हैं, संसार हमें अपनी ओर खींचना चाहता है। जब हम मोबाइल खोलकर देखते हैं तो वहां पर भी संसार हमें खींचने की कोशिश करता है। लेकिन जो आत्मा के चलाए चलता है वो इन बातों पर गौर नहीं करता बल्कि इन बातों को गंभीरता से लेता है और यही बातें दूसरों को भी सिखाता है। दोस्तों, क्या आपके जीवन में ऐसा हो रहा है? क्या गानों को सुनकर आप उसकी ओर अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं? क्या आप उसकी ओर आकर्षित होते जा रहे हैं? क्या सांसारिक धुन आपको खींच रहा है या फिर समय निकालने के लिए आप गानों को सुन रहे हैं? हो सकता है कि बहुत सारे मसीह भाई बहन ये कहें, मैं तो यूं ही बस समय निकालने के लिए गानों को सुन रहा हूँ, मुझे इस पर इंटरेस्ट नहीं, बस मुझे तो केवल समय निकालना है। दोस्तों, हमारे पास इतना समय नहीं कि हम इन सांसारिक बातों में फंस जाएं। हम उन 10 कुवारियों को याद रखें जो 5 मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान थी। जो बुद्धिमान थी उन्होंने अपने साथ मशाले और साथ में तेल भी ले लिया और कुप्पी में उनका तेल खत्म नहीं हुआ बल्कि उन्होंने दूल्हे की प्रतीक्षा की। जो 5 मूर्ख स्त्रियां हैं, वो मूर्ख स्त्रियां संसार की बातों में लगी हुई है। उनको अपनी देह को प्रसन्न करना है, अपने आप को खुश रखना है। उनके पास वो आत्मिक तेल नहीं, उनके पास वो उजियाला नहीं। दुल्हे के लिए तैयार होना नहीं चाहती बल्कि अपने आप को बुरे कामों में अशुद्ध कर लेती है और जब समय आता है तो उन्हें बदलने का कोई अवसर प्रदान नहीं हो पाता, कोई अवसर उन्हें नहीं मिल पाता। हम बाइबल में देखते हैं, वचन कहता है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जब हम वचन देखते हैं, आज हम किसको प्रसन्न करना चाहते हैं, आत्मा या शरीर? हमारे जीवन में दो प्रकार की लगातार लड़ाइयां चलती रहती हैं। जब हम देखते हैं यहाँ पर दो लोगों की लगातार लड़ाई चलते रहती है, पहला शारीरिक मनुष्य, दूसरा आत्मिक। आज हमारी जो लड़ाई है शरीर की क्रियाओं के साथ है, देह की क्रियाओं के साथ है। बाइबल कहती है जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। शारीरिक दशा में कौन है? जो शारीरिक रीति से सांसारिक गानों के ऊपर नाचते हैं। शारीरिक दशा में कौन है? संसार हमें शारीरिक दशा में रखना चाहता है, शैतान हमें शारीरिक दशा में रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम आत्मा में बढ़े। ये शैतान के हथियार हैं जो हमें परमेश्वर से दूर करते हैं। प्रतिदिन हमारी लड़ाई है, वो शारीरिक दशा में जीना चाहता है, जो आत्मिक मनुष्य है वो आत्मा की दशा में। क्योंकि बाइबल कहती है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। यहां पर क्या हम देह की क्रियाओं को मार रहे हैं? हमारा शरीर, हमारा जीवन संसार को पसंद करता है, संसार की बातों को पसंद करता है, उन गानों को पसंद करता है, उस अट्रैक्शन को पसंद करता है जो संसार हमें देता है।
जो रूह है वो परमेश्वर की ओर खींचता है, ताकि हम परमेश्वर की ओर खींचे चले आएं और संसार की बातों में मन न लगाएं। दोस्तों, अगर हम संसार में जितने भी गानों को देखते हैं, क्या हम एक स्त्री की कामना नहीं कर रहे उन गानों में? क्या हम एक पुरुष की कामना नहीं कर रहे उन गानों में? क्या ये शारीरिक दशा नहीं? अगर हम इस शारीरिक दशा में जी रहे हैं तो हम परमेश्वर के राज्य के भागी नहीं हो सकते, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। जो आत्मिक है वो लगातार प्रार्थना में, प्रभु के करीब रहने में, भजनों को गाने में, भजनों को सुनने में, वचनों को सुनने में, इन बातों में मन लगाए रहते हैं। लेकिन जो शारीरिक है वो लगातार संसार की बातों में खोए रहते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि उन आत्मिक लोगों का भी विरोध करते हैं जो सही रीति से इन बातों के विरोध में रहते हैं। दोस्तों, आज जान गए होंगे, आज की जो स्थिति है ऐसी बन चुकी है, शैतान ने तरह तरह के ऐसे यंत्र बनाए हैं, शैतान ने तरह तरह के ऐसे रास्ते तैयार करके रखे हैं। दोस्तों, आज हमारे पास हजारों ऐसे रास्ते हैं जो हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। उन रास्तों को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर फूल ही फूल हैं, लेकिन जब हम मसीह के रास्ते में से होकर गुजरते हैं वहाँ पर हमें कोई फूल नजर नहीं आता, वहाँ पर कांटे ही नजर आते हैं, वहाँ पर तकलीफ ही नजर आते हैं, क्योंकि वहाँ पर संसार के लोगों की तरह हमें जीना नहीं होता, बल्कि संसार से अलग होकर आत्मिकता में परमेश्वर को प्रसन्न करना होता है। तो दोस्तों, हमारे पास एक अवसर है, हमारे पास मौका है कि हम आज किसकी सेवा करें। हमारे पास एक मौका है कि आज हम अपने कान को किसके लिए लगाएं। हमारे पास आज एक मौका है कि आज हम किसको देखें। अगर आज हमने इस अवसर को गवा दिया और सांसारिक बातों पर मन लगाते हैं तो हम में मसीह का आत्मा नहीं। तो दोस्तों, आइए हम सांसारिक गानों से, सांसारिक धुन से अपने आप को दूर करें और मसीह में बढ़ते जाएं, आत्मा में प्रतिदिन बढ़े। उम्मीद करता हूं आप इस वचन के द्वारा जान गए होंगे कि क्या हमें सांसारिक गानों को सुनना चाहिए या नहीं, क्या हमें उन धुन को अपने जीवन में रखना चाहिए या नहीं। आइए हम क्यों ना आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारे और मसीह में बढ़ते जाएं और हम में मसीह का आत्मा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष मिले। हम मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में।